अस्मा, सबसे पहले तो ये कि जो हम फैट की बात करते हैं ना, हर किसी की बॉडी पे फैट डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट होती है, फैट सेल्स की स्पेसिफिकली, क्योंकि उसमें जीन्स का भी रोल है, उसमें जेंडर का भी आ जाता है. फीमेल बॉडी में फैट परसेंटेज ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू मेल्स. और जो फैट सेल्स हैं उनका ये होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल दे ग्रो इन नंबर, और जब वो बॉडी में मैक्सिमम नंबर अचीव कर चुके होते हैं उसके बाद दे स्टार्ट एक्सपेंडिंग इन साइज़. और एक फैट सेल में ये क्वालिटी होती है कि वो अपने साइज से 1000 times ज़्यादा बड़ा हो सकता है. तो ये जो हम फैट करते हैं बच्चों में, जो बचपन से ही जब बच्चों में फास्ट फूड, जंक फूड, हाई फैट फूड्स का जो इनटेक है वो हाई होता है, तो डेफिनेटली उनके फैट सेल्स जो हैं पहले तो साइज में मैक्सिमम नंबर वो अचीव कर लेते हैं, उसके बाद वो एक्सपेंड करना शुरू हो जाते हैं. और जब फैट रिडक्शन भी होती है बॉडी में तो फैट सेल्स वहीं पर हैं, उनका नंबर नहीं कम होता, सिर्फ उनका साइज श्रिंक होता है. सब हर इंडिविजुअल का नाश्ता डिफरेंट होता है. अगर हम ये सोचते हैं कि ये सब खाएंगे तो उसमें ये कि जब हम फैट की बात करते हैं ना तो वो इस तरह नहीं कि बेली फैट या ओवरऑल अगर बॉडी पे फैट है तो उसकी कोई डाइट थेरेपी डिफरेंट होगी, ऐसा नहीं होता. उसमें मोर और लेस वो सेम होती है, बट उसकी बेली फैट के लिए कुछ अलग से टिप्स होती हैं. अगर हम उसमें ये बात करें कि हम सपोज किसी के आर्म्स पे ज़्यादा फैट है, किसी की बटॉक्स पे ज़्यादा है, किसी की थाई पे ज़्यादा फैट एक्यूमुलेशन है, किसी की बेली पे ज़्यादा होती है, तो जो ओवरऑल आपका न्यूट्रिएंट इनटेक है, कैलोरिक इनटेक है, वो मैटर करता है. और बॉडी जो है वो फैट पहले वहां से कम करती है जहां उसे लगता है ज्यादा. अच्छा, एक चीज उसमें स्पॉट रिडक्शन नहीं होती जिस तरह. बिल्कुल सही, ठीक है. लेकिन अब जो हम नाश्ते करते हैं लाइक पराठा खाना, अंडा खाना, नान चने खाना, अभी मैं आ रही हूँ थोड़ी सी बैकग्राउंड, जरा क्विकली ये बता दें, ये जो नाश्ते हैं पराठा खाना, ठीक है, चीज वाला ऑमलेट खाना, क्या ये फैटी? बिल्कुल है. इवन जो एग है ना वो भी हम मीडियम फैट में उसे कंसिडर करते हैं, वो लीन में नहीं आता, ठीक है. अगर किसी ने बेली फैट वगैरह हो तो उसमें याद रखिए कि आपको ओवरऑल अपना जो फैट इनटेक है, डाइटरी फैट इनटेक, वो कम करना पड़ेगा. एक्सरसाइज भी उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक्सरसाइज के बगैर आप अपने उस एरिया को टोन अप कर ही नहीं सकते, ठीक है. डाइट का जो है उसमें होता है हमारा कोई 65% जो रोल है वो डाइट का होता है, बाकी उसमें कुछ थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड आ जाता है और एक्सरसाइज का जो है 20% रोल एक्सरसाइज. ओके, अगर ये कहा जाए कि जो मर्जी खाएं एक्सरसाइज करते रहें पेट नहीं बढ़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप कुछ भी खाते रहें और उसमें पेट नहीं बढ़ेगा. जितना मैंने बताया फैट जो है वो आता है उसमें, ये कि देखें जो की है ना आपकी वेट रिडक्शन की और फैट रिडक्शन स्पेसिफिकली बेली फैट की, उसमें 5 frequent meals थ्रू आउट द डे, ये हमने स्मॉल मील्स लेने होते हैं, वो जो हम बहुत पेट भर के खाते हैं. आप कुछ लोगों की ये होती है कि जी अच्छा हम ब्रेकफास्ट बहुत ज़्यादा हैवी करेंगे फिर डिनर जो है वो चाहे हम स्किप कर दें या लंच स्किप कर दें, ऐसा नहीं करना चाहिए. मील स्किपिंग जो है इट इज़ नॉट रिकमेंडेड एट ऑल, क्योंकि उसमें मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन हो जाता है. और जब ब्रेकफास्ट की बात करते हैं तो वो लोग जिन्हें बेली फैट है तो वो पूरा एग मत लें, वो 2 egg whites ले लें क्योंकि वो प्योर प्रोटीन है. बिल्कुल सही, आप जो 5 छोटे-छोटे मील्स कह रही हैं ना बड़ा मुश्किल है, मैंने करने की कोशिश की थी, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है. ब्रेक लग सकती है क्योंकि इतना याद चार्ट बनाना कि आपकी जो भूख है ना उसका ताल्लुक आपके पेट के साथ नहीं आपके दिमाग के साथ है, क्योंकि जब ब्लड में न्यूट्रिएंट्स कम होते हैं तो ब्रेन को सिग्नल जाता है दैट यू नीड टू ईट. और जैसे ही हम खाना शुरू करते हैं, अब जो आपका पेट है वो तो मस्कुलर ऑर्गन है और वो साइज में एक्सपैंड होता चला जाता है आप उसको जितना ज्यादा भी खिलाते रहिए.